नहीं, हमारा टॉपिक था परमुटेशन। तो एड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर, द नंबर फोर डिजिट नंबर, द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर कैन बी प्रॉपर, कैन बी यूजिंग द डिग्री। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, बी 310, सी 360, देखिए अगर हम यहाँ पे, हमारे पास 2 4 5 6 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 6 ठीक है। और जो हमें संख्या बनानी है वो इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो, यानी कि इसके इक्वल भी हमें नहीं लेनी, हमें इससे बड़ी लेनी है। तो उसके लिए टोटल नंबर्स तो कितनी होंगी, इसके लिए अगर हम देखें, सबसे पहले हमें 4 स्पेस भरना ठीक है, जबकि कितनी बार भी रिपीट हो सकती है। अगर हम इन नंबर से 4 अंकों की टोटल नंबर संख्याएं बनाएं, नॉर्मली क्या बनाते हैं, कितने अंक हैं? 6। इसको भरने के तरीके 5, इसके भी कितने हो जाते हैं जब रिपीटेशन है, 6, इसके भी 6 और इसके भी 6 ठीक है।
तो ये वो नंबर आते जो दिए गए अंकों से चार अंक की संख्याएं बनती, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है उससे बड़ी। तो उससे बड़ी में स्ट्रिक्टली बड़ी कितनी संख्याएं होंगी हमें ये निकालना। अगर हम एक दूसरा तरीका और अपना करके देखते हैं, चार डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें जो है इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास, यानी कि एक आएगा इसको भरने के लिए, तीन से बड़ी 4 और 5, दो आएगी, दो से बड़ी कितनी है 3 4 5, यहाँ 3 आएगी, और एक से बड़ी कितनी है 4, 4 3 12 दूनी 24 बैठ रही है सिर्फ। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अभी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? स्ट्रिक्टली बड़ी जब हमें देखनी है, अगर हम संख्या पे देखते तो स्ट्रिक्टली बड़ी क्या है, ये 4 3 2 2 भी है, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 29 तक, फिर 31 चलेगी, इसी तरह 300 के बाद 400 तक आएगी, 400 के बाद 500। तो इसमें जैसे चार डिजिट हैं तो हमारे चार ही केसेस बनेंगे, उन केसेस को हम बाद में अलग से ऐड करेंगे, क्या क्या केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट जो हमारा बनेगा ये आपका जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। केस फर्स्ट ये है, जैसे हमारी चार डिजिट्स बननी है, ठीक, यहाँ पे तो मान लिया 4 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ, ये हमने फिक्स कर दी। अब 1 से बड़ी कितनी संख्या है हमारे पास, 1 से बड़ी 1 2 3 4, इसके ऑप्शन कितने हमारे पास 4 है। तो कुल मिला के ऐसी संख्याएं हमारे पास जिनमें इकाई का प्लेस 1 से बड़ा होगा, वो नंबर ऑफ आई हमारी 4, ठीक है। केस सेकंड लाइन, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3, ये 2 है और ये 1। 2 से बड़ी संख्या है कितनी है, 3 है, उसके प्लेस कितने हो गए 3। और अब यहाँ पे कितनी आ सकती है इफ के लिए, जबकि नंबर ऑफ रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ आ सकती है 6। कितनी आ सकती है 6, क्योंकि यहाँ डिजिट 3 चली गई, दाई का जो नंबर है टेंस का वो 3 है, नंबर हमें 2 से बड़े लेने, तो यहाँ पे हम सारी नंबर ले सकते हैं। तो इनके फिलअप एक प्रकार हो गए वो 80, ठीक है। अब लेते हैं हम केस थर्ड में क्या है हमारे पास, वही 4 प्लेसेस है, यहाँ मान लिया 4 है और ये 3 से 6 भी बड़े लेने हैं, तो कितने ऑप्शन है हमारे पास, इसके लिए 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 6 है और इसके लिए भी 6, 6 6 36 72, राइट। केस 4 है, अब इसके 4 से बड़े, इसके स्पेस 1, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6 और इसके लिए भी 6 छंग 36, छक्का, 3 छंग 18 और 6 छंग 36, 200 16, ठीक है। 4 इस तरह की 18, ये तो जो टोटल आएंगे हमारे पास इस तरह की संख्याएं, 4 प्लस 18 प्लस 72 प्लस 260 इक्वल टू 6 और 2 8 8 16 और 4 20, 2 और 1 3 और 7, 10 और 1 11, 2 और 1 3 300, आपका ये आंसर, ठीक है।
लिख लिया भाई। चलिए क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर इंटीजर ग्रेटर दैन that can be formed that
पेन बॉल यूजिंग द डिजिट Using the digit 3567 4 7 and 8 without repetition without repetition without repetition आंसर है इसका ए 260 बी 192 सी 120 डी 72। ठीक है, और आपका ये आया हुआ है जे मेन्स 2015 कब आया हुआ है, जे मेन्स 2015 में द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट 3567 एंड 8 विदाउट रिपीटिंग। यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ डिजिट कितनी, नंबर ऑफ डिजिट इसको पहले काउंट कर लेते हैं, ये हमारी है 4। ठीक है, अब बात यह है क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है ये, क्योंकि सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन दिए वहां पे आपको नंबर देता था फाइंड ए 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर, 9 डिजिट दे दी उसका 4 बना लिया तेरी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कहा था नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000, यानी कि वो सभी इंटीजर जो 6000 से बड़े हैं और इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या कितनी है। देखिए उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, 6000 हमारा नंबर है और साथ में इसमें कहा विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं, नॉट अलाउड, रिपीट आप नहीं करोगे, ये दिया हुआ है। राइट, अब देखिए दिया हुआ 6000, क्लियर है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ डिजिट देखें कितने हैं, और तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि 4 डिजिट 5 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं, संख्या इंटीजर्स हैं जो इससे बनाए जा सकते हैं जो 6000 से बड़े। अब 6000 से बड़े होने के लिए 4 डिजिट के लिए ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है, केस फर्स्ट क्या बनेगा, हम 4 डिजिट्स के मार्क्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 बना रहे हैं। यहां पे 6 या उससे बड़े नंबर कितने हैं, 6 7 8 तीन नंबर, इसको फिलअप करने के प्रकार कितने हुए, तीन हुए। अब यहां इसके कितने हुए, जब कोई एक डिजिट आ गई यहाँ 5 बची, इसके लिए 4 और इसके लिए 3, 4 3 12 5 60 6 3 18 110, कितने प्रकार हुए, 180। इसके भी अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लें, यहाँ पे एक तो हम ऐसे डिजिट निकाल दे रहे हैं सबसे, एक दो तीन चार 6 अगर फिक्स कर दिया हमने, सपोज करो 6, यहाँ इसके लिए कितने बचेंगे, 5 4 और 3, 5 6 20 60 तो डिजिट ऐसे आ जाएंगे,
और 7 और 8 नंबर यहाँ पे आ जाए तो ऑप्शन है, इसके लिए फिर कितने बचते हैं, 5, इसके लिए 4 और इसके लिए 3, 4 3 12, 5 6 6 2 12, 120, राइट। ये तो हमारी हुई इससे 4 डिजिट नंबर्स की, कौन सी है ये हमारी 4 डिजिट। अब बात करते हैं हम 5 डिजिट नंबर, ये सेकंड है 5 डिजिट, ठीक है। अब 5 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास 5 जगह है, 1 2 3 4 5, डिजिट भी 5 है, क्या 6 डिजिट का कोई बनाई जा सकती है, नहीं बनेगी, ओनली मैक्सिमम 5 डिजिट की, और 5 डिजिट की कोई भी होगी वो इससे तो बड़ी ही होगी, 4 डिजिट 6000 से, ठीक है। अब इसको जो भरने के जगह कितनी है, 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, 5 चौक 20 60 दूनी 100, ठीक। गलती कहाँ हुई हमारे पास, जब इसकी जगह भरने की 6 7 8 एक नंबर आगे आगे कितने बचे, 6 4, इस एंड की वजह से कंफ्यूजन क्लियर हुआ, तो इसकी कंडीशन 4, इसकी कंडीशन 3, इसकी कंडीशन 4 3 12 2 24 72, ऐसे ही इसके लिए कंडीशन 1 होगी, तो 4 3 12 2 24 इससे आ जाएगा और 48 इससे आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज समझ लिया, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, राइट। ये 120 और 72, तो टोटल कितने हो गए हमारी, टोटल इक्वल टू 4 डिजिट की प्लस 5 डिजिट की, राइट। 4 डिजिट की कितनी आई है, 72, और 5 डिजिट की 120 इक्वल टू 192 आ गई, डू इट।
कभी क्वेश्चन है, एक वर्ड है इक्वेशन, शब्द के अक्षरों से क्या शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न बनाए जा सकते हैं। जबकि
सबसे पहले हम इस वर्ड के अंदर हम टोटल लेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल लेटर। टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 और 4। अब इसमें हम स्वर देख लेते हैं, या वोवल्स कितने हैं। वोवल्स हमारा ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, वाह। तो वोवल्स हमारे कितने हैं? 5 हैं। बाकी व्यंजन कौन से हैं हमारे? क्यू टी एन, ए ई आई ओ, इक्वेशन। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर एक साथ रखे जाए। यानी कि जो हमारे पांचों स्वर हैं, ए ई आई ओ, ये हमें कैसे रखने हैं? एक साथ रखने हैं। चलो जी, हम इनकी बात मान लेते हैं, ए ई आई ओ यू। आगे हमारे कॉन्सोनेंट बचे, कौन से बचे कॉन्सोनेंट? क्यू टी और। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये जहाँ भी जाएंगे ये इकट्ठे जाएंगे, ये अलग अलग अपना कहीं भी रह सकते हैं। टोटल लेटर इसमें कितने थे? 8 थे। अब यहाँ अगर हम देखें इनके कितनी तरह से क्रमचय बन सकते हैं, लेटर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, और ये पूरा का पूरा एक लेटर की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि लेटर नंबर 4। अब ये एक तरह से ये एक लेटर हुआ, 3 लेटर ये। इसके जो अरेंजमेंट होंगे, इस लेटर के अरेंजमेंट कितने आएंगे? फैक्टोरियल 4, राइट। इसी के साथ साथ ये जो वोवल्स है ये भी आपस में अपना अरेंजमेंट बदलेंगे। जैसे यहाँ यू क्या है, इसमें लास्ट में है, तो इसमें यू पहले भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो इसके ये कितने प्रकार से चेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल। तो हमारा जो आंसर रहेगा, 4 3 12 2 24, 5 4 20, 3 60 2 120, मल्टीप्लीकेशन के लिए 0 12 4 48, 4 12 2 24, और 4 28, 2880। इससे जो है ऐसे लेटर बन जाएंगे जिनमें वोवल्स इकट्ठे होंगे। और अगर हम टोटल लेटर्स की बात करें कि इससे टोटल लेटर कितने बनेंगे, वो बनेंगे फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब 56, 6 5 30, 15, काफी ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
जल्दी से। अरे क्वेश्चन है NP5 इक्वल टू 42 NP3 और n ग्रेटर देन 4। इस क्वेश्चन को हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करनी है कि एन की वैल्यू क्या। ठीक है, अगर हम इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें, फैक्टोरियल एफ और फैक्टोरियल ए इक्वल टू 42 फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस 3। चलिए फैक्टोरियल एन से तो फैक्टोरियल एन कैंसिल, 1/n5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/ ये 42 हो जाएगा, n-3 n-4 और n-5 इससे ये कैंसिल हुआ। आप इसको लिख सकते हैं 42/ n-3 n-4 इक्वल टू 1।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका, ये n माइनस थ्री, n माइनस फोर इक्वल टू 42, ठीक है? अब यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन प्लस 12 इक्वल टू 42, एन स्क्वायर माइनस सेवन एन 42 को इधर लाएंगे माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज क्या होंगे इसको, एन स्क्वायर माइनस टेन माइनस थ्री एन माइनस 30 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस टेन एन प्लस थ्री एन माइनस 30 इक्वल टू 0। पेयरिंग करते हैं इसकी, एन इंटू एन माइनस टेन प्लस थ्री एन माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एन माइनस टेन एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है? दैट इज एन माइनस टेन इक्वल टू जीरो और एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो हो तो एन इक्वल टू टेन, और ये अगर जीरो है तो एन इक्वल टू माइनस थ्री, राइट? बट एन इज ए पॉजिटिव नंबर, सो माइनस थ्री इज नॉट एक्सेप्टेबल। माइनस थ्री क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ऑल्सो गिवन, एंड ऑल्सो गिवन दैट एन ग्रेटर देन फोर, याद हुआ है एन ग्रेटर देन फोर, सो एन इक्वल टू राइट। लिखिए जल्दी इसको, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है टोटल DAUGH, टोटल शब्द के अक्षरों से 8 अक्षरों, 8 अक्षरों वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब नंबर एक सवर 1 7, क्या हो जितने भी सवर हैं वो सारे 1 7 हो। दूसरा, कोई भी स्वर 7 न हो, ठीक है। एक कंडीशन दी है कि सभी स्वर 1 7 हो, और एक कंडीशन दी हुई कि कोई भी स्वर 7 न हो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर 8 है इसमें। अब हम स्वर या वोवल्स को देखते हैं, कौन कौन से हैं। ए है, यू है और ई है, तीन हमारे पास स्वर। तो अगर हम इनका अरेंजमेंट करें, स्वर 1 7 हो, 8 लेटर का हमें बनाना है, ठीक है। तो ए यू ई, ये तो हमने एक जगह बांध दी, ठीक। बाकी कौन से बचे हमारे पास, बचे लेटर 5 लेटर और बचे, ठीक है। टोटल 8 लेटर थे, 3 ये थे और 5 ये। ये जो 5 लेटर हैं, एक तो ये, और जो हमने हमारे जो वोवल्स हैं, हमने वोवल्स को क्या किया है, हमने वोवल्स कहा कि सभी जो स्वर हैं 1 7 रहे, यानी कि जब हम इनका अरेंजमेंट बनाएंगे तो जो सभी स्वर हैं वो एक ही लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो 5 लेटर तो ये हुए और 1 लेटर ये, तो टोटल कितने हो गए, 6 लेटर। तो जो नंबर ऑफ लेटर बनेंगे, नंबर्स ऑफ वर्ड बनेंगे, वो कितने बनेंगे, वो हमारे बनेंगे फैक्टोरियल 6। और इसी के साथ साथ ये जो लेटर है, जो वोवल्स हैं हमारे तीनों, ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे इसमें ई बाद में है तो पहले भी आएगा, बीच में भी आएगा। ये टोटल अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 से, यानी कि ये तो आपस में जगह चेंज करेंगे साथ साथ ये भी जगह चेंज करेंगे, इसलिए एंड फैक्टोरियल 3, 6 5 3 4, छः पंजे 30, 3 4 12 3 4 72, 2 144, 3 14 42, 3 4 12 1 3 4 12 1 13 1, 3 3 4 32, यानी कि 4320 ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें वोवल्स आपके 1 7 हो, ठीक है। कंडीशन दूसरी, कोई भी स्वर 7 ना हो। कोई भी स्वर 7 ना हो का मतलब कोई भी, इसे लिख लीजिए पहले आप, इतने को लिखिए। चलिए दूसरी कंडीशन है कि कोई भी स्वर 7 ना हो, कोई भी स्वर 7 न हो, इक्वल होगा कुल क्रमचय माइनस सभी स्वर
सात, सभी सवर सात, कुल क्रमचय कितने होंगे? आठ हमारे लेटर हैं, राइट? तो कितना होगा इसका फैक्टोरियल? एट माइनस, सभी सवर सात हो, फैक्टोरियल सिक्स इंटू फैक्टोरियल थ्री, और फैक्टोरियल एट की वैल्यू निकाल लो आप। सिक्स फैक्टोरियल की कितने हैं? छः पंजे तीस, तीन चौक बारह, तीन छत्तीस, दूनी बहत्तर, 720, और 56 की मल्टीप्लीकेशन कर लो 70, 0, 7 छंग 42, 4, 7 पंजे 35 और 4 39, कितनी आई? 3920। 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120, 12 तीन 360, 720, 720 की मल्टीप्लीकेशन होनी है 56 में, 720 और 56 मल्टीप्लाई करिए, 600, 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 45, 500, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36, 0 2 3 6 4 10, 40,320, 40,320 माइनस, ऐसे कितने जिनमें वो वाले एक साथ रहेंगे, ये हमारा आया 4,320, इनको घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया, दो में से दो गए जीरो, तीन में से जीरो, दस में से चार गए छः, और ये 36,036,000 होगा सर।
पहला क्वेश्चन है लाहौर के अक्षरों को भिन्न भिन्न कर्मों में रख कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो लाहौर के लेटर्स को भिन्न 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 कर्मों में रख कितने शब्द बनाए जा सकते। सभी सब एल से आरंभ कोई भी सब एल से आरंभ एल से आरंभ है आरंभ में एल और अंत में ई आरंभ में एल पर अंत में ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कई करा चुका हूँ आपको। सबसे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो आपके 6। सभी शब्द एल से आरंभ हो। 6 प्लेस है हमारे पास। यहां अगर सभी एल से आरंभ हो इसके लिए कितने लेटर बचे हमारे पास? 5। इसके लिए 4, 3, 2, 1 ठीक है। 5 × 20 = 60 दूंगी 120 वर्ड बनाए ठीक है। कोई भी शब्द एल से आरंभ ना हो। फर्स्ट का सोल्यूशन तो ये हुआ। दूसरा कोई भी एल से आरंभ ना होगा कोई भी एल से आरंभ वो बराबर होगा कुल क्रम से कुल क्रम से माइनस एल से आरंभ ठीक है। हमारे कितने होंगे? फैक्टोरियल 8 माइनस एल से आरंभ कितने हुए हमारे? 120। ये हमारा आंसर है ठीक है। आरंभ में एल व अंत में ई। आरंभ में क्या फिक्स कर दिया हमने? एल। अंत में हमने पी। ठीक है। अंत में क्या है हमारा? ई। लेटर कितने बचे? 4। इसको बढ़ने की जगह 4, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 1। तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन 4 × 3 = 12 दूंगी 24।
लिखिए इसको। लिखिए जल्दी से। लिख लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन है DELHI। दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? राइट, पहले है तीन अक्षर, तीन अक्षर हर बार अक्षर प्रत्येक बार, ठीक है। कितने अक्षर
से शुरू। एक है एल सदैव बीच में, एल सदैव बीच में, ठीक है ठीक। दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जाते, तीन अक्षर प्रत्येक वर्ड में। मान ले दिल्ली है हमारा, डी ई एल एच, कोई भी तीन लेटर हमने इकट्ठे बांध दिए, ठीक है, तो 1 2 3 थ्री लेटर की तरह ट्रीट करेगा, तो फैक्टोरियल 3 प्लस तीनों भी आपस में अरेंज होंगे तो फैक्टोरियल 3, 3 × 6 6 × 36, इसका आंसर इस तरह के लेटर आपके 36। कितने अक्षर डी से शुरू हो, अगर डी से शुरू हो गए बाकी कितने, 4 फैक्टोरियल है, दूसरे का हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 4 × 12 = 24। तीसरा है एल सदैव बीच में रहे, अगर एल हमेशा बीच में है तो कितनी जगह बची, 4 × 1 = 2 3 4, इसका भी 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिखिए जल्दी।
चार दस,